आज जलकल विभाग जल संस्थान के स्टोर इंचार्ज राजकुमार हुए सेवानिवृत्त, हुआ भव्य विधाई समारोह कार्यक्रम। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जलकल विभाग के महाप्रबंधक, सचिव, अधिशासी अभियंता और कार्यरत साथी, पूर्व साथी व परिवारगण, मित्रगण उपस्थित रहे। जलकल महाप्रबंधक केपी आनंद ने राजकुमार शुक्ला जी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और अपने उद्बोधन में उन्होंने बताया कि शुक्ला जी अपने कार्य के प्रति हमेशा सजग रहे और कार्य कर्मचारियों के हितों के लिए भी करते रहे। उन्होंने संघर्ष किया। ऐसे धनी व्यक्तित्व के शुक्ला जी अगर भविष्य में भी जल विभाग को उनकी ज़रूरत पड़ेगी उनके सुझाव की, तो हम आशा करते हैं वह पीछे नहीं हटेंगे। केपी आनंद जी ने उन्हें कहा, सेवानिवृत्त के बाद अपने परिवार को समय दें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी कर्मचारियों ने राजकुमार जी को मालाओं से लाद दिया और उन्हें गिफ्ट भी भेंट किए। परिवार के लोगों ने भी उनका स्वागत किया। बेटी ने पिता के लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत की। सभी ने तालियों से उसका स्वागत किया। अंत में राजकुमार शुक्ला जी ने कहा, मैं सेवानिवृत्त ज़रूर हो रहा हूँ, लेकिन विभाग के लिए मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ रहूँगा और पेंशन बहाली के लिए मैं हमेशा लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। आज मुख्यालय स्थित है हमारे कर्मचारी राजकुमार जी के सेवानिवृत्त हो जाने के उपरांत उनका विदाई समारोह रखा गया है। राजकुमार जी हमारे मुख्यालय में लिखने के पक्ष थे। राजकुमार शुक्ला मुख्यालय में 39 साल सेवा करते हुए दिनांक 30/2023 को सेवानिवृत्त हुआ। मैंने मुख्यालय में हर प्रकार के काम जो हमें ऊपर से निर्देश दिए गए थे उसको सकुशल निष्पादित बिना किसी कठिनाइयों के मैंने विभाग हित में संपन्न किया अपना पूरा सेवा कार्य। क्या कहना चाहोगे? मैं यही चाहता हूं कि जो हम आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी जल संस्थान के हित में ही कार्य करें और मेरा जहाँ भी कहीं भी कोई आवश्यकता हो तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ, अभी भी आगे समय दे सकता हूँ।